सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं। दिनांक 16 दिसंबर 2020 से आपका मॉड्यूल नंबर 13, मॉड्यूल नंबर 14 और मॉड्यूल नंबर 15 का प्रशिक्षण चल रहा है, जो आपका 31 दिसंबर 2020 तक चलेगा। साथियों, अगर अभी तक आपने मॉड्यूल 13, 14 और 15 का प्रशिक्षण कंप्लीट नहीं किया है, तो 31 दिसंबर से पहले पहले इस प्रशिक्षण को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 1 जनवरी 2021 से आपका मॉड्यूल नंबर 16, मॉड्यूल नंबर 17 और मॉड्यूल नंबर 18 का प्रशिक्षण दीक्षा पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा और आपको उसको 15 जनवरी 2021 तक कंप्लीट करना है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर 17 कोविड-19 परिदृश्य में विद्यालयी शिक्षा में चुनौतियों का समाधान, इसकी गतिविधि नंबर 1 की प्रश्नोत्तरी लेंगे। इसकी गतिविधि 1 की प्रश्नोत्तरी है हमारी महामारी के दौरान एहतियात। तो साथियों, प्रशिक्षण शुरू होने से पहले आप इसका अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि जब आप प्रशिक्षण करेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी होगा प्रशिक्षण का अभ्यास करने से। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं गतिविधि नंबर 1 की प्रश्नोत्तरी के बारे में। जैसे ही आप गतिविधि नंबर 1 पर पहुंचेंगे, ये गतिविधि नंबर 1 है हमारी महामारी के दौरान एहतियात। इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको सत्य और असत्य कथनों की जांच करनी है। तो सबसे पहला आपका प्रश्न होगा, छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें, क्योंकि यह आपके हाथ से आपके मुंह, नाक और आंखों में स्थानांतरित हो जाएगा। यानी कि अगर आपको छींक आती है तो आपको साड़ी का पल्ला और गमछे का उपयोग करना है। तो आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य है। तो साथियों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। सत्य पे क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता है। तो आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य है। अगर आप हाथ नहीं धोएंगे या साफ नहीं करेंगे, चेहरे को छू लेंगे, तो वायरस बिल्कुल फैल जाएगा। तो ये कथन आपका असत्य है। असत्य पे क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। असत्य या सत्य है? अगर आप हाथ मिलाएंगे और कार्यक्रम आयोजित करेंगे तो महामारी तो बढ़ेगी। तो ये कथन आपका असत्य है। असत्य पे क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। यानी कि चिकित्सा, ये बिल्कुल गलत है। पहले आपको चिकित्सा सुविधा लेनी होगी, तभी आप एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। तो ये कथन भी आपका असत्य होगा। असत्य पे क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहने। विविध मास्क से मतलब अलग अलग तरह के मास्क, ये गलत है। मास्क ही पहनना चाहिए। तो असत्य और सत्य पे ढूंढना है आपको। तो ये आपका कथन असत्य होगा। असत्य पे क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है। असत्य है या सत्य है, ये आपको देखना है। अगर आप सार्वजनिक जगहों पर थूकेंगे, धूम्रपान करेंगे, तो वायरस तो फैलेगा। तो ये कथन भी आपका असत्य है। असत्य पे क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, स्व दवा से बचें, यानी अपना आप दवाई लेने से बचें। ये कथन आपका सत्य है या असत्य है? तो ये आपका कथन बिल्कुल असत्य है। अपने स्वयं दवाई से बचे बिल्कुल सत्य है, क्योंकि स्वयं दवाई आपको नहीं लेनी है। सॉरी, मैं गलत बोल गया था, ये सत्य होगा। तो सत्य पे क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहने। अब बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है। यानी बाहर आप जाएंगे तो नाक और मुंह आपको ढकना पड़ेगा, जिससे कि लोगों को संक्रमण ना हो। तो ये कथन भी आपका सत्य होगा। सत्य पे क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसी को घर पर रहकर स्वयं अलगाव करना चाहिए यदि वे अस्वच्छता
स्वस्थता महसूस करना शुरू करते हैं, भले ही सिरदर्द कम ग्रेड वाला बुखार जैसे 37.3 डिग्री या इससे ऊपर और हल्की बहती नाक जैसे हल्के लक्षण हो तब तक जब तक कि ठीक न हो जाए। सत्य और सत्य छांटना है तो ये कथन भी आपका सत्य है। सत्य पे क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उपयोग किए गए महीन कपड़े या कागज का तुरंत निपटान करें क्योंकि बूंदे वायरस को फैलाती हैं। सत्य और असत्य कथन छांटने हैं तो साथियों ये कथन भी आपका सत्य होगा क्योंकि तुरंत ही आपको निपटान करना पड़ेगा महीन कपड़े और कागज का जिसको आपने उपयोग किया है। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा, अच्छी श्वसन स्वच्छता का पालन करके यानी जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मुड़े हुए कोहनी या महीन कपड़ा या कागज से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी फ्लू और COVID-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं। तो आपको पता करना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है, तो बिल्कुल सही है, ये कथन आपका सत्य होगा। सत्य पे क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद इस तरह से आपने 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्वेश्चन आंसर्ड भी आपके 11 हुए, क्वेश्चन स्किप्ट आपके 0 हुई। अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट गया तो आप रिव्यू कर सकते हैं और अगर आपका क्वेश्चन नहीं छूटा, आपने टोटल क्वेश्चन आंसर्ड भी 11 किए हैं तो सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका स्कोर 11 आउट ऑफ 11 हो जाएगा। इस तरह से आपको इसमें 11 मार्क्स मिल जाएंगे। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।